नमस्कार दोस्तों, एवर के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आहूजा की एडीपी 30R, जो कि एक प्रीएम्प विथ ब्लूटूथ उसके साथ है। और सबसे मजेदार बात है, ये लाइव प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट। आप इसमें यूएसबी या चिप डाल के डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आपकी लाइव प्रोग्राम या लाइव मिक्सर से ऑडियो रिकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल वीडियो को आपके सामने लेके आ रहे हैं हमारे टेक्निकल टीम से शेखर जी, जो कि हैं शेखर साउंड एंड डीजे से छत्तीसगढ़ से। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक कर दे। कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा सर मेरा आहूजा का एडीपी 30R, और मैं इसी से एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया और मैं लाइव प्रोग्राम्स में भी इसका यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होता है इसमें, और मैं इस मिक्सर के थ्रू अपने रिकॉर्डिंग मशीन को आउटपुट देता हूँ। जो भी हरकत इस मिक्सर में होता है वो सभी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं इस तरह का एक केबल लूँगा और इसे मैं ग्रुप अपने मिक्सर के ग्रुप 1 से आउटपुट लेकर के डायरेक्ट अपने रिकॉर्डिंग मशीन पे इन करूँगा। मैं इसे मोनो पे यूज़ कर रहा हूँ सर। इसे स्टीरियो पे भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल एक केबल यूज़ करके इसे मोनो पे यूज़ कर रहा हूँ। और मैं एक केबल और यूज़ करता हूँ जैक टू जैक यहाँ से आउटपुट के लिए, ताकि इसमें जो भी रिकॉर्ड होने के बाद अगर मैं सुनना चाहूँ तो मैं उसे अपने मिक्सर के थ्रू लाइन इन करके स्पीकर्स में सुन सकूँ इस तरह से। और इसमें मैं मेमोरी चिप का यूज़ करता हूँ सर। इसमें मेमोरी के जरिए रिकॉर्ड होता है, और इसमें किसी प्रकार का कंप्यूटर वगैरह मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग होता है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आता है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। ये मेमोरी लगाने के साथ, ये लोडिंग के साथ साथ ये स्टार्ट हो चुका है, और ये रिकॉर्डिंग लेवल, और ये वापस रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए। सो, मैंने ग्रुप वन से आउट लिया हुआ था, इसलिए मैं ग्रुप वन का फेडर उठा देता हूँ। और जैसे ही मैं अभी माइक पे बोलूँगा, देखिएगा यहाँ पर रिकॉर्डिंग लेवल ऑन हो जाएगा। और ये रहा मेरा माइक का फेडर। हेलो, ये देखिए, हेलो चेक। मैं इसे स्पीकर्स में भी थोड़ा साउंड दूंगा जिससे क्लियरिटी समझ में आए। चेक हेलो, ये देखिए, जैसे ही मैंने स्पीकर्स का साउंड खोला, काफ़ी अच्छा इसमें रिकॉर्डिंग लेवल भी बताता है। आइए अब मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा गीत गाकर रिकॉर्डिंग करके सुनाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन क्लिक करूँगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही क्लिक करूँगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करना चाहता हूँ, इसी रिकॉर्ड बटन को लॉन्ग प्रेस कर हम इसे सेव कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो आइए एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करते हैं। ये देखिए, ये वेटिंग ले रहा है, ये रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब एक छोटा सा गीत। सागर किनारे दिल यूं पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है
सागर किनारे, दिल यूं पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है वो सागर किनारे। अब इसी को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्डिंग बटन को लॉन्ग प्रेस कर ये ऑटोमेटिक सेव हो करके और ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं सुनना चाहता हूँ तो मैंने जो यहाँ से लाइन इन किया हुआ है अपने रिकॉर्डिंग मशीन से, इस फेडर को उठा करके ये देखिए। दिल यूं पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है वो सागर किनारे। दिल यूं पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है वो सागर किनारे। फाइनली मेरा यही सेटअप था सर, और अगर और कुछ देखना हो तो आप कह सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी जो प्राइसिंग, इसकी जो बाइंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां से भी आप इसको खरीद सकते हो या आप आहूजा स्टोर से, आहूजा डीलर से इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों और भी ऐसे मजेदार स्टोरी देखने के लिए और ऐसे मजेदार लाइव प्रोग्राम देखने के लिए, लाइव की इक्विपमेंट की टेस्टिंग देखने के लिए चैनल में बने रहिए, लाइक करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो दोस्तों बहुत जल्दी हमारा जो फैमिली है 1,00,000 का होने वाला है, तो प्लीज आप लोग जरूर सब्सक्राइब आप खुद करें और अपने दोस्तों लोगों से भी सब्सक्राइब करवाने ना भूलिए। आपके परिवारजनों से भी 5-7 लोग तो हैं, सबके पास मोबाइल है, तो वहां से भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा परिवार भी 1,00,000 का बन जाए। तो ऐसे अगर आप भी हमारे टेक्निकल टीम में जुड़ना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप नंबर या हमारे अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर है, हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है, तो वहां से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सबको हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एक ही मकसद रहता है कि सबको हेल्प करना, चाहे छोटा बड़ा कोई भी साउंड वाला हो, डीजे वाला हो, सबको हेल्प करना हमारा एक ही मकसद है। आपको किसी भी जानकारी, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप बेझिझक हमें कभी भी पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए वहाँ पे और आपका पूरा सवाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे या हमारी टेक्निकल टीम कॉन्टैक्ट करेगा। अगर आप अपना खुद का कुछ प्रमोशन भी करना चाहते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल भी बनाए हैं वो भी आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो वो भी फ्री पे आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है दोस्तों, लोगों को हेल्प करना। और जब तक है तब तक हम करते रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़िए। A1 क्रिएटिव स्टूडियो की जो परिवार है ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग आइए जुड़िए हमारे साथ और लोगों की हेल्प करें। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। और कोरोना के काल में सतर्क रहे, सावधान रहे, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सब कुशल मंगल है, मैं भी कुशल मंगल रहूँ, आप भी कुशल मंगल रहे, आपकी पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जल्दी मुक्त हो जाए और चैन का सांस लें। वीडियो को दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके जाना और लोगों से करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।